तो कंट्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जेंडर पता होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर 9 कंट्रीज मेंशन किए हैं. द फर्स्ट थ्री दे आर मैस्कुलिन एंड द लास्ट फाइव दे आर फेमिनिन. ओके एंड दिस वन दिस इज प्लूवियल. ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ एंड इन कंट्रीज को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज कि मुझे जेंडर पता होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट थ्री दे आर मेस्कुला, यहाँ पर भी मैंने एम से हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, एंड द लास्ट दे आर फेमिना. ओके ठीक ओके दिस इज प्लूरल. ओके सो होल्ड ऑन, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी गॉट टू नो, अगर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान मेस्कुला है, जापान मेस्कुला है, कनाडा मेस्कुला है, तो आई विल ऐड द आर्टिकल. ये आर्टिकल है हमारे, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, तो मैं इसके आगे एल ई ऐड कर दूंगी. एल ई. ओके ल पाकिस्तान नहीं प्रोनाउंस एज पाकिस्तान, ल जापान, ल कनाडा. होगा ओके सो यू कैन सी इन दिस कॉलम बी कुछ कॉलम. ओके सो दिस इज ऑल हाउ आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट. अगर मुझे किसी एक कंट्री के लिए बोलना है सो आई विल से ल पाकिस्तान, ल जापान, ल कनाडा, ले जेता ज्यूनी. ओके दिस विल बी प्रोनाउंस एज ल जेता ज्यूनी. ओके आई एम हाईलाइटिंग दिस क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. ले जेता ज्यूनी. ओके ले जेता ज्यूनी. नेक्स्ट वन इज लान, नेक्स्ट वन इज लोंगलतेह, ल फ्रांस, लिताली, लाशी. ओके इसकी अब हम एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. ल पाकिस्तान. ओके ल पाकिस्तान. सो ऑल ऑफ यू बी ऑन म्यूट, अदरवाइज आई कैन डू दिस एंड जस्ट प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर एंड एट योर प्लेस. सो फर्स्ट वन इज ल पाकिस्तान. होल्ड ऑन. ओके सो फर्स्ट वन इज ल पाकिस्तान, ल पाकिस्तान, ल पाकिस्तान, ल पाकिस्तान, ल पाकिस्तान. ओके सो एल ई इज प्रोनाउंस्ड एज ल. ओके ल एल ई ल ल पाकिस्तान. नेक्स्ट वन इज ल जापान, ल जापान, ल जापान, ल जापान, ल जापान, ल जापान. ओके नेक्स्ट वन इज ल कनाडा, कनाडा. सो ल कनाडा, ल कनाडा, ल कनाडा, ल कनाडा, ल कनाडा. This is easy. Next one is Le Zeta Zuni. Okay, LES will be Le. So Le Zeta Zuni. 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 Why I am saying Le Zeta Zuni? So this is again. Okay, so this will be Le Zeta. Okay, ले जे. ओके ले जेता ज्यूनी. इज इट बेटर नाउ? ले जेता ज्यूनी. सो एता एस विल बी टुगेदर विद ई, सो दिस विल बिकम ले जेता ज्यूनी. लांग, नेक्स्ट वर्ड इज लांग. ओके दिस इज फॉर इंडिया. सो लांग, 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 लांग. ओके नेक्स्ट वन इज लोंगलतेह, 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 5 times. ओके लोंगलतेह, 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 लोंगलतेह. यू कैन सी ए एन, ओंगलतेह इज स्टार्टिंग विद ए एन, सो ए एन साउंड्स एज ओ, लोंगलतेह. ओके नेक्स्ट वन इज ला फॉन्स, सो एल ए विल बी ला फॉन्स, ला फॉन्स. Litali. Next one is Litali. Why I am saying Litali? Because Italy, the first is I, starting with I. So
आई विल से लिताली ओके लाशीन लाशीन ओके सो ल पाकिस्तान ल जापान ल कैनेडा ले ज़ेताज़ुनी लान लॉन्गलते ला फ्रांस लिताली लाशीन ओके सो नाउ आई एम पुटिंग एवरीवन ऑन अनम्यूट यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द कंट्रीज नेम ऑफ द कंट्री एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ओके एनी डाउट एनी क्वेश्चन am I audible yes ma'am all right no question okay so next one is abiton okay abiton 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 for masculine abiton for feminine okay abiton as in ki mera jaise hum bolte hain jabi I live in to mera citizen kya hai okay main meri nationality kya hai so पाकिस्ताने अगर मैं मेल हूँ सो आई विल से पाकिस्ताने अगर मैं फीमेल हूँ आई विल से पाकिस्तानेज ओके पाकिस्तान है ओके पाकिस्तान है पाकिस्तानेज जापोने जापोनेज ओके जापोने जापोनेज कैनेडा का हो जाएगा कैनेडिया कैनेडियन ओके कैनेडिया कैनेडियन अमेरिका अमेरिकन आंदिया आंदियन ओंगले ओंगलेज फ्रांसे फ्रांसेज इटालिया इटालियन शिनवा शिनवेज ओके आई रिपीट वन मोर टाइम ओके पाकिस्ताने पाकिस्तानेज जापोने जापोनेज कैनेडिया कैनेडियन अमेरिका अमेरिकन आंदिया आंदियन ओंगले ओंगलेज फ्रांसे फ्रांसेज इटालिया इटालियन शिनवा शिनवेज ओके सो नाउ वी विल प्रैक्टिस दिस ओके पाकिस्तान ने फाइव टाइम्स प्रैक्टिस इट पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने नेक्स्ट वन इज पाकिस्तानेज ओके पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने सो वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज जो भी आपका लास्ट लेटर है उसको आपको लीव करना है ओके सो इफ यू सी इन द पाकिस्तान ने द लास्ट लेटर इज एस तो आपको एस लीव करना है आपको आई तक प्रोनाउंस करना है पाकिस्तान ने बट इन फेमिनिन द लास्ट लेटर इज ई तो आपको एस तक प्रोनाउंस करना है सो दिस विल साउंड पाकिस्तान ने ओके पाकिस्तान ने पाकिस्तानेज जापोने जापोनेज कैनेडिया कैनेडियन ओके सो प्रैक्टिस जापोने फाइव टाइम्स जापोने 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 ओके नेक्स्ट वन इज जापोनेज सो जापोनेज 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 ओके नेक्स्ट वन इज कैनेडिया Five times we will practice Canada, 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 Canada. Okay, next one is Canadian. So Canadian, 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 Canadian. Next one is America, 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 America. Feminine American, American. American, 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 American. Okay. So next one is Andhya. Indian as in Andhya. For male, I will say Andhya. For female, I will say Andhian. So if I'm Indian, I will say Jaswi. Like हमने अपना जब प्रेजेंटे वो किया था उसमें भी हमने बोला था Jaswi Andhian. Okay. Female, I will say Jaswi Andhian. So Andhya practice five times Andhya 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 okay Andhian 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 okay so Andhya Andhian next one is Ongle Ongle okay five times Ongle 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 five times okay next one is Ongles Anglais, 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 Anglais. Okay.
नेक्स्ट वन इज प्रोसे, फाइव टाइम्स प्रोसे 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 प्रोसे. नेक्स्ट इज प्रोसेस, सो प्रोसेस 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 प्रोसेस. ओके, सो फॉर फीमेल आई विल से प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज इटालियन. ओके, इटालियन इटालिया फाइव टाइम्स, इटालिया 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 इटालिया. इटालियन 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 इटालियन. नेक्स्ट इज शिनवा, शिनवा 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 शिनवा. ओके, शिनवेज 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 शिनवेज. ओके, सो दिस इज ऑल हाउ वी आइडेंटिफाई. लाइक अगर मुझे बोलना है इंडियन मेल आंदिया, अगर मुझे बोलना है फीमेल इंडियन आई विल से आंदियन. ओके, आंदिया इटालिया, आंदियन इटालियन. ओके, कैनेडिया कैनेडियन. ओके, आंदिया कैनेडिया इटालिया. सो दे आर साउंडिंग, दे आर हैविंग द सिमिलर साउंड. ओके, दिस वन कैनेडिया आंदिया. ओके, एंड इटालिया कैनेडियन आंदियन इटालियन. ओके, सिमिलर एंडिंग कैनेडिया. ओके, ऑंग्ले फ्रांसे जैपोने पाकिस्ताने. ओके, पाकिस्ताने जैपोने ऑंग्ले फ्रांसे पाकिस्तानेज जैपोनेज ऑंग्लेज फ्रांसेज. ओके, ऑल राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रोनंसिएशन. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री कॉलम्स जी एच आई, एनी क्वेश्चन? No? Okay. No question? Okay. Would you like to read? Yeah. Any one of you would like to read? I can try. Yeah. Like the habitants, the citizens, you mean, right? कल सारी क्लासेस से देख लो किसी का होमवर्क तो नहीं है जो मैम ने करने के लिए बोला. You mean the citizens, right? Yeah. Yeah. Pakistane, Pakistanes, Japone, Japones, yeah. Canadia, Canadian, America, American, yeah. Andia, Andian, yeah. Angle, Angles, yeah. France, Frances, Italia, Italian, Chinua, Chinoise. Okay, one thing you need to keep in your mind is agar single s hai, single s, theek hai, jahan par bhi, wherever you will see single s aur hame usko pronounce karna hai to hum usko z ki sound karte hain, theek hai, z, jaise ki pakistanis, japanese, okay, anglais, français, chinois. तो जब भी सिंगल एस आएगा वो ज की साउंड करेगा फेमिना में, ठीक है. जैसे पाकिस्तानी लास्ट एस है वो तो हमें प्रोनाउंस ही नहीं करना तो उसको तो छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तान नेज, सो दिस विल बी एस ज की साउंड करेगा, ठीक है. अग्री? ओके, हु विल ट्राई टू रीड नेक्स्ट? वाज इट फाइन? या इट वाज गुड. आपको बस ऑंग्लेस बोलना है, ठीक है, ऑंग्लेस नहीं ऑंग्लेस, ज की साउंड. Frances, okay. Japanese, Japanese, okay. All right. So, who would like to read next? Charu, this one. Okay. Ma'am, I will read. Continue. Yeah. Pakistani, yeah. Pakistan. Japanese, Japanese. Yeah. Canada, Canadian. Okay. America, American. Can. Andia, Andian, Angle, Anglais, France, yeah. France, Italia, Italian, Chinwa, Chinwese. Very nice.
Okay, anyone else would like to read? No? Dilpri, okay, Aditi, yes, Aishwarya, who would like to read? I'll read. Okay. I'll read, ma'am. Yeah. Pakistane, Pakistanes, Japonais, Japonaise, Canadien, Canadienne, American, American, Indian, Indian, okay, Anglais. This is Andia, okay? Andia, Andia, Andien, Anglais, Anglais, Francais, Frances, Italien, Italien, Chinois, Chinoise. Very nice. Okay, anyone else who would like to read? Aishwarya, you? Okay, Aditi, Pooja, Ritu, anyone? No? Yes? Okay, I'm not sure whether... Okay, ma'am, I'll do it. Okay. Aditi. Okay, continue. Yeah. Pakistane, Pakistanes. Japonais, Japonaise, Canadien, Canadien, okay. America, American, okay. India, Indian. Okay, this is Andia. Anglais, Andia. Indian है और अपने आप को बताना है better, you should know better. तो Andia, ठीक है? Andia. This is Andia, okay. Andia. Okay. Andia, Andian. Indian बोलते हैं ना Indian क्योंकि IN Indian हो जाता है. In, लेकिन हमें okay, okay. आ बोलना है आ ओके आंदिया 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 आंदियन ओके ऑंग्ले ऑंग्लेस ओके फ्रांसे फ्रांसेस 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 इटालिया इटालियन शिनुआ शिनुए शिनुएस ओके शिनुएस वेरी नाइस ओके एनीवन एल्स is America, is it going to be ro sound or her? American or American? America, America, American. Okay, so the ro sound will be there. Yeah. America, her. America, American. Okay. All right. So anyone else would like to read? Otherwise, I will move on. Okay. So next one is Jabir. Jabir as an I live. Okay, Jabir. Okay, Jabir. So for if I want to say ki mujhe I live in Pakistan, Japan, Canada. ठीक है? तो जैसे English में तो हम सिर्फ यही बोलते हैं live in, I live in. ठीक है? कोई भी country हो, कोई भी state हो, उससे हमारा matter नहीं करता कि हम कहाँ रहते हैं. तो I live in Delhi. ठीक है तो सेम एज लेकिन यहाँ पर फ्रेंच में इट मैटर्स अगर वो मैस्कुला है या फेमिना है हमें ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर वो कंट्री मैस्कुला है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट वर्ड यूज करना है और अगर वो फेमिना है तो मुझे डिफरेंट वर्ड यूज करना है तो दिस इज द प्रेपोजिशन तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन आई हैव मेंशन आल्सो अगर वो मैस्कुला है आई विल यूज ए यू ओके और अगर वो फेमिना है आई विल यूज अ सो दिस इज अ ओके अ टू डिफरेंट थिंग्स अ ओके दिस इज आल्सो अ ओके सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव एडेड जाबीद जाबीद एज एन आई लिव Okay, Jabit as an I live. So Jabit o Pakistan, Jabit o Japan, Jabit o Canada. Okay, Jabit o Zetazuni, Jabit o Nan, Jabit o Nongleterre, Jabit o France, Jabit o Italy, Jabit o Chine. Okay, so Jabit o, okay. This is something like this. Okay. Continue. So, Jabit
or Pakistan. Now I think you will be able to read this also, right? Jabit or Pakistan or or Japan or Canada. Jabit or Zetazuni, Jabit or Nan, Jabit or Nongleterre, Jabit or France, Jabit or Nitali, Jabit or Sheen. Isme hame again, we are following the same rule. Agar first letter A se start ho raha hai, vowel se, to mujhe lizio karna hai, to main Nongleterre bolungi, theek hai? Itali ki jagah main Nitali bolungi, Nitali, okay? आंध की जगह मैं नांद बोलूंगी जाबीत और नांद ओके जाबीत और नेताली ओके जाबीत और नेताली इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू ओके सो जाबीत अगर मुझे बोलना है जाबीत एज एन आई लिव अगर जविया नेक्स्ट वर्ब है हमारी विया वेनी ओके So, via as an I come from. I come. Okay. Veni, ek verb hai. I'll write it here. Veni. And it means to come. Okay. Veni means to come. The means from. Okay. Jaise ye jabit bhi ek verb hai, abit. उसको मैंने कॉन्जुगेट किया तो मैंने जाबीत किया ऐसे ही वेनी एक वर्ब है उसका मतलब है टू कम तो मैंने जब उसको कॉन्जुगेट किया तो आई गॉट विया ओके ज विया सो ज विया एज एन आई कम फ्रॉम पाकिस्तान जापान कनाडा ओके अमेरिका इंडिया नेक्स्ट वन इज इंग्लैंड फ्रांस इटली और चाइना ठीक है सो पाकिस्तान जापान सो जविया दू पाकिस्तान जविया दू जापान जविया दू कैनेडा जविया दे ज़ेताज़ुनी जविया दिस वन विल बी होल्ड ऑन ओके दांद जविया दोंगलतेर जविया द ला फ्रांस Je viens d'Italie, je viens de la Chine. Okay, so this is another preposition. I think we can discuss this in the later session because this is a little bit different kind of preposition and you need to understand this in detail. Okay, veni. So we are not discussing these three columns. You might get confusion. Okay, the. एक डिफरेंट प्रेपोजिशन है उसके एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं तब ये चेंज होता है इसमें कुछ डिफरेंट रूल चलते हैं सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन अनदर सेशन दिस प्रेपोजिशन बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन दिस प्रेपोजिशन द फर्स्ट वन ओके सो टू थिंग्स यू हैव लर्न टूडे लाइक फॉर कंट्री आपको आर्टिकल एड करना पड़ता है आर्टिकल ये वाला ओके दिस इज डेफिनेट आर्टिकल ल ला ले ओके तो अगर ल ले ल ओके अपोस्ट्रोफी ये चार टाइप के हैं ओके आर्टिकल्स सो ल ला ल अपोस्ट्रोफी एंड ले ठीक है तो मुझे इसके रूल फॉलो करने हैं कि ये कौन सा किसके साथ चलेगा एल अपोस्ट्रोफी वोवल के साथ ठीक है एल ई मैस्कुला एल ए फेमिना ओके ले प्लूरियल ओके ये मेरे मैस्कुला का आर्टिकल का रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ तो आर्टिकल यहाँ पर मैंने देखा कंट्रीज पाकिस्तान जापान ये सिर्फ पहले ऐसे थी पे पाकिस्तान इसके साथ मुझे एक डेफिनेट आर्टिकल ऐड करना है तो मैं कौन सा करूंगी पाकिस्तान आई नो पाकिस्तान मैस्कुला है आई विल एड एल ल जापान मैस्कुला है आई विल एड ल जापान Canada mescula hai I will add le Canada. So first thing I learned ki, which article I need to add and for everything in French we all know ki ek mescula hota hai ek femina. Every word has mescula and femina. So aapko wo, this is very important to understand. So aapko ye countries is base pe learn karni hai. Keep this in your mind ki ye country mescula hai ya femina hai. Theek hai?
और दूसरी चीज अगर मैंने देखा इंडिया का जो फर्स्ट लेटर है वो आई से स्टार्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ एडिंग एल एल ए आई विल एड अपोस्ट्रॉफी एल अपोस्ट्रॉफी ओके तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान रखें कि कोई भी कंट्री अगर उसका वोवल से स्टार्ट होती है तो मुझे एल अपोस्ट्रॉफी लगाना है ठीक है सो ल सो दिस इज वन फर्स्ट थिंग आई लर्न आर्टिकल एंड सेकेंड थिंग प्रेपोजिशन ये वाली दो प्रेपोजिशन लर्न की ओ एंड ओ कब लगेगी जब मैस्कुला होगा ओ होगा एज एन फॉर फेमिना तो ये मैस्कुला एंड फेमिना ये हमें याद रखना है दिस इज द फोर थिंग्स दैट वी लर्न टुडे ओके सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ अगर आप देखोगे जाबीत ओके ये जो सेंटेंसेस हम कर रहे हैं दीज आर द सिंपल सेंटेंस ओके जाबीत और पाकिस्तान इन सेंटेंसेस को मैं बोलती हूँ लाफ मास ओके दीज आर लाफ मास लाफ मास्यो एज एन एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तो जाबीद और पाकिस्तान दीज आर क्योंकि इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कुछ नहीं है सिंपल सेंटेंस लाफ मास्यो ओके सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉलम एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ओके नो क्वेश्चन ओके All right. These are very easy to understand also. It is easy topic. Okay. Okay. So, agar mujhe ye bolna hai ki I am, ye bhi I think you will be able to understand very easily. Je suis Pakistani. Je suis Pakistanais. Okay. Je suis, agar mujhe batana hai apni nationality, to I will say Je suis Pakistani. I'll read this for all of you. Okay. Let me know if you find any difficulty. Je suis Pakistanais. Je suis Pakistanaise. Je suis Japonais. Je suis Japonaise. Je suis Canadien. Je suis Canadienne. Je suis Jamaïcain. Je suis Jamaïcaine. Je suis Zambien. Je suis Zambienne. Je suis Anglais. Je suis Anglaise. Je suis Français. Je suis Française. Je suis Italien, je suis Italienne, je suis Chinois, je suis Chinoise. Okay? So, did you find any difficulty to read them? Okay. No, ma'am. No? All right. No, ma'am. No? Okay. So, now you will be able to read all these. Okay. So, now the next thing, vous êtes. So, je suis as an I am. Vous êtes, you are. Okay? Vous êtes Pakistanais, vous êtes Pakistanaise. Vous êtes Japonais, vous êtes Japonaise. Vous êtes Canadien, vous êtes Canadien. Vous êtes Jamaïcain, vous êtes Jamaïcain. Vous êtes Zambien, vous êtes Zambien. Vous êtes Anglais, vous êtes Anglaise. Vous êtes Français, vous êtes Française. Vous êtes Italien, vous êtes Italienne. Vous êtes Chinois, vous êtes Chinoise. Okay. Any doubt? Any question? No? Yes? No? No, ma'am. No? Okay. No, ma'am. No, ma'am. All right. So now you will be able to understand this also. So, agar mujhe, what you need to keep this in your mind, aapko preposition achhe se pata hona chahiye aur article aur dusra gender. Theek hai? Kisi bhi word ka agar aapko gender pata hai. तो आप बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग इजीली कर सकते हो ठीक है तो अभी जो हमने सेंटेंसेस किए हैं वो किए हमने लाफ मास्यो सिंपल सेंटेंस ओके आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड ओके दिस पेज सो इन दिस स्लाइड आई कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस टू इंटेरोगेटिव अगर मैं सिंपल उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो दिस विल बिकम इंटेरोगेटिव राइट सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा उसके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया दिस विल बिकम आन तैहो गैस्यो ओके इन फ्रेंच आन तैहो गैस्यो
So now we are learning आंते हो गैसे हो, okay? So simple, I just put the question mark, okay? So इले पाकिस्तान ने, okay? In this first column, you see, is it, you know, are you comfortable to read this or should I make it bigger? Okay. Is it okay to all of you? It's fine. Yes, ma'am, it's fine. Yes, ma'am, it's fine. Okay, all right. So, इले पाकिस्तान ने, इले पाकिस्तान ने, okay? So, आपको identify करना है first और second column में, सब कुछ same है, ठीक है? इले पाकिस्तान ने, इले पाकिस्तान ने, right? आपको बताना है कि कौन सा combination ठीक है, okay? Can anyone tell me कि ये ठीक लिखा है मैंने इस इन दोनों में से, अगर मुझे मुझे आपको choose करने के लिए दिया जाए? मैम सेकंड कॉलम रॉन्ग है. ओके एंड द फर्स्ट वन मैम सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज सेकंड इज फेमिनिन एंड वी हैव रिटन एल. मैम अच्छे से आ रही है. इट शुड बी एल. ओके तो हां ई एल एल ई है ना ये, क्योंकि एल एज एन बॉय हो जाएगा तो हमें ए वाला फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज गुड. गुड आंसर. तो क्यों ये ठीक है? तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है इले, ये हमारा करेक्ट है एंड दिस वन इज येलो, दिस इज रॉन्ग आंसर. ठीक है? सो इले पाकिस्तान ने, ओके, इले जयपुर ने, इले कैनेडिया, इले तमेहिका, इले तांदिया, इले तोंगले, इले फ्रांसे, इले तितालिया, इले शिनवा. ओके, एनी डाउट फ्रॉम दिस? यस मैम.